बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ़ से। तो ये नमाज से पहले हमारे घर पे खजूर और दूध का नियाज़ मैं करवाती हूँ, और ये मेरा बेटा नियाज कर रहा है, और ये लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा चुके हैं। शकील साहब और बच्चे, मैं जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए कि ईद का दिन है तो नाश्ता भी बहुत स्पेशल होना चाहिए। तो फटाफट मैं सेवइयां भी तैयार कर रही थी, और पूड़ी के लिए आटा भी गूंथ के मैं रख चुकी हूँ, ताकि फिर कुछ देर के बाद मैं भी पूड़ियाँ डालूँगी। यहाँ पर मैं सेवइयों की तैयारी कर रही हूँ, ताकि फटाफट सेवइयां तैयार हो जाए और फिर मैं ठंडा भी करूँगी इसे। तो इसलिए मैं सबसे पहले सेवइयां बना रही हूँ, और फिर दूसरी साइड पे मैंने दम का कीमा भी चढ़ाया हुआ है, जो कि मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। दम का कीमा और चिकन कढ़ाई जो कि मैंने बनाया था नाश्ते में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब मैं ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई करूँगी, और शकील साहब आने ही वाले हैं, अब नमाज़ ख़त्म होने का टाइम हो रहा है, तो जल्द से जल्द मैं सारा काम मुकम्मल कर रही हूँ। तो शकील साहब आ चुके थे, तो आपको तो पता ही है सबसे पहले बच्चों को ईदी चाहिए होती है, तो शकील साहब बच्चों को ईदी दे रहे थे, और उसके बाद ये सारा नाश्ता मेरा तैयार हो गया था, गर्मा गर्म मज़ेदार, और हम सब मिलकर बस बैठकर खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यकीनन आप लोग भी अपने ईद को इसी तरह एंजॉय करे होंगे, और अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को इसी तरह आबाद रखे, और इस ईद की तरह हर ईद अल्लाह ताला खुशियों से भरा हुआ गुजारे, सबके लिए अच्छा और बेहतर साबित हो। तो मेरी तरफ से तमाम लोगों को बहुत सारी दुआएं, और अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।